वेलकम बैक मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रॉस्ट अबाउट, रॉफनेक, डेरिक मैन, ड्रिलर, टूल पुशर, ये सब क्या है, ये कहाँ काम करते हैं? मित्रों, इन्वेस्टोपेडिया के अनुसार पूरे विश्व भर में लगभग 650 मिलियन डॉलर कीमत के कुल रिग पाए जाते हैं, जो जमीन पर पाए जाने वाले रिग के कीमत से 15 से 20 गुना ज्यादा है। क्योंकि समुद्र के नीचे अधिक मात्रा में खनिज तेल पाया जाता है, इसलिए ऊर्जा कंपनियां समुद्र पर बड़ी बड़ी इमारतों की तरह स्ट्रक्चर तैयार कर समुद्र के नीचे सैकड़ों हजारों फीट गहरा ड्रिल कर खनिज तेल निकालती है। मित्रों, प्रायः एक रिग पर कम से कम 200 वर्किंग पीपल होते हैं, साथ ही उस पर एक एयरपोर्ट भी होता है। इनमें एबंडेन, स्कॉटलैंड हेलीपोर्ट्स बहुत बिजिएस्ट हेलीपोर्ट है, जिसके लगभग 100 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये उत्तरी समुद्र में रिग पर डेली उड़ान भरते हैं। मित्रों, रिग पर रहने वाले व्यक्ति समुद्री किनारे से बहुत अंदर होते हैं, इसलिए इनके आने जाने के लिए हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर बेहतर होता है। यदि मौसम खराब ना हो तो हेलीकॉप्टर का यूज हो सकता है। फिर भी क्रीव को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रिग पर बहुत ही नियमबद्ध व्यवस्था होती है। मित्रों, ऑफशोर रिग हमेशा 24 घंटा ऑपरेट होते रहते हैं। सारे क्रीव का ड्यूटी शेड्यूल के अनुसार बटा रहता है। रिग पर बहुत से ऐसे वर्कर होते हैं जो रिग पर 2 सप्ताह ड्यूटी करके कुछ दिन के लिए छुट्टी बिताने जमीन पर चले जाते हैं, जबकि कोविड के समय कुछ व्यक्तियों को 6 सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया गया था। कोविड के समय शिफ्ट वाइज काम चालू रखने में बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। मित्रों, आयल रिग ऑफशोर का लाइफ कैसा होता है, चले इनके डेली रूटीन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं। सामान्य तौर पर रिग पर की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, परंतु दूसरे शिफ्ट को हैंडओवर करने तथा मीटिंग के कारण ड्यूटी लगभग 13 घंटे की हो जाती है। मित्रों, ऑफशोर रिग के वर्कर्स रोज लगातार ड्यूटी पर रहते हैं, जब तक कि वे छुट्टी पर घर नहीं आ जाते हैं, अर्थात वहाँ कोई संडे फ्राइडे की छुट्टी नहीं रहती है। कभी कभी शिफ्ट चेंज भी होता है, जैसे रात 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, या फिर 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। वास्तव में ऑफशोर में ड्रिलिंग के काम के अजीब होने के बारे में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सप्ताह के अंत तक आदमी एकदम बिजी रहता है काम के अनुसार, साथ ही वहाँ खूब ओवरटाइम भी मिलता है। मित्रों, वहाँ के इंजीनियर किसी भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम में एकदम सरल तरीका से सॉल्व कर देते हैं, जिसको करने में सबको आसान हो जाता है। निसंकोच आयल रिग ऑफशोर का जीवन अद्वितीय है, जो रोज किसी नई चैलेंज और रिवार्ड का सामना करता है। शिफ्ट समाप्त होने के बाद खाली समय में वे अपना समय रीडिंग में, कोई जिम में या फिर मूवी देखने, गेम्स खेलने में बिताते हैं। जब वर्कर के पास ज़्यादा फ्री टाइम रहता है मित्रों, तो वे आपस में मौज मस्ती भी एक साथ कर लेते हैं। कभी कभी रिग पर इंटरनेट का कनेक्शन स्लो रहता है, यह कनेक्शन के यूज के ऊपर निर्भर करता है, जिसके कारण लार्ज फाइल्स डाउनलोडिंग
या फिर स्ट्रीमिंग HD वीडियो थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी सेंडिंग मेल, ब्राउजिंग वेब और वीडियो कॉलिंग के लिए ठीक रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1970 के पहले से तो अच्छा है, जब सप्ताह में एक बार ही मात्र 6 मिनट के लिए ही फोन पर बात करने को मिलता था, उससे तो अच्छा ही है। मित्रों, आप कुछ भी कहिए, वहाँ खाना मस्त मिलता है। वैसा खाना अन्य जगह मिलना लगभग असंभव है। रोज वहाँ ताज़ा सामान की सप्लाई होती रहती है। वहाँ ताज़ा सब्जी, फल, मीट्स आदि सुलभ मिलते हैं तथा कुशल बावर्ची द्वारा खाना पकाया जाता है। मित्रों, वहाँ डिशेज एकदम जबरदस्त होती है, जैसे एक ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड सूप, हम बेकन और पैनकेक्स आदि आदि प्रकार के भोजन व्यंजन वहाँ मिलते हैं। वहाँ एक शिफ्ट में 4 बार खाना मिलता है, अर्थात रोज 4 बार भोजन करना पड़ता है। परंतु मित्रों, याद रखें, वहाँ शराब और ड्रग्स पर सख्त पाबंदी है। परंतु हाँ, वहाँ आप डिजाइनेटेड एरिया में स्मोकिंग कर सकते हैं। मित्रों, अन्य जगहों की तुलना में ऑफशोर जॉब में बहुत पैसा है, खासकर इंजीनियर के लिए जो किसी खास प्रकार के ट्रेनिंग लिए रहते हैं। 13-13 घंटे ड्यूटी करना, घर से दूर रहना और ऑफशोर का चैलेंजिंग बिताना इतना आसान नहीं होता है। परंतु मित्रों, इसी सब के कारण इनका सैलरी हाई होता है। जहाँ तक एकोमोडेशन का सवाल है, तो प्रायः वहाँ एक रूम में 4 आदमी रहते हैं और जो शेयर बाथरूम का प्रयोग करते हैं। वहाँ कपड़ा धोने के लिए लॉन्ड्री मैन होते हैं तथा खाना बनाने के लिए बावर्ची होते हैं, जो अनेक प्रकार के खाना बनाने का तजुर्बा रखते हैं और दिन में 4-4 बार खाना बनाते हैं। मित्रों, आयल रिग ऑफशोर पर काम करने वाले को सैलरी के साथ साथ उनको संतोषजनक अतिरिक्त मुआवजा भी मिलता है। यह मुआवजा पद के अनुसार सबको मिलता है, इसलिए इनकी सैलरी हाई हो जाती है। सैलरी भी पद, अनुभव और लोकेशन के आधार पर अलग अलग होती है। यहाँ पर हम लोग आयल रिग ऑफशोर पर काम करने वाले कुछ पोजीशन की सैलरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो 2023 में चल रहा है। रॉस्ट अबाउट सबसे नीचे का पोस्ट है, जिसको एंट्री लेवल कहा जाता है। इनका काम जनरल लेबर का होता है, यानी कि हेल्पर कह सकते हैं। इनका काम रिग पर क्लीनिंग करना, लोडिंग करना, पेंटिंग करना और हेल्प करना होता है। रॉस्ट अबाउट पोस्ट यानी हेल्पर के लिए किसी पढ़ाई या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है मित्रों, लेकिन शारीरिक तौर पर फिट होना चाहिए। जहाँ तक सैलरी की बात है, एक रॉस्ट अबाउट यानी हेल्पर का आवरली 15.5 to 52 डॉलर मिलता है, यानी एक घंटे का 15.52 डॉलर मिलता है, यानी कहे तो लगभग 1273 रुपया एक घंटे का इंडियन रुपी में। तो इस प्रकार 30 दिन का बोले तो हर महीना 3 लाख रुपए से ज़्यादा मिलता है, अर्थात एक हेल्पर की मंथली सैलरी मित्रों लगभग 4 लाख होता है। रॉस्ट अबाउट से थोड़ा ऊंचा एक पोस्ट होता है, जिसको रॉफनेक कहते हैं। तो चले मित्रों, रॉफनेक का आयल रिग ऑफशोर पर
काम और सैलरी को जान लेते हैं। आयल रिग ऑफशोर पर एक रॉफनेक का मुख्य काम ड्रिल पाइप को हैंडल करना होता है, साथ ही इसको ड्रिलिंग का कुछ अनुभव भी होता है। यह सीनियर के सारे इंस्ट्रक्शन को भली भांति समझता है। इनकी प्रति घंटा लगभग 18.76 US डॉलर मिलता है, यानी इसकी एक दिन की कमाई, मित्रों इसको 12 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 225.12 डॉलर रोज। और इसको हम लोग फिर 82 रुपए से गुणा कर दें, क्योंकि एक डॉलर में अभी 82 रुपए लगभग आता है, तो गुणा करेंगे तो हो जाता है 18,500 रुपए रोज की कमाई। तो 30 दिन का सैलरी होगा मित्रों 5,55,000 इंडियन रुपया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑफशोर ऑयल रिग पर काम करने वाले हेल्पर की मंथली सैलरी 4 लाख तथा रीगर की सैलरी लगभग 6 लाख होती है। तो देखा मित्रों, रिग पर काम करने वाला कितना ज्यादा कमाता है। मेरा सुझाव है कि यदि आप योग्य हैं तो आपको भी एक बार अवश्य रिग पर काम करने का कोशिश करना चाहिए। चले मित्रों, कुछ और लोगों की सैलरी का पता कर लेते हैं। ऑफशोर रिग पर अगला पोस्ट होता है डेरिक हैंड, जिसको डेरिक मैन के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, ड्रिलिंग विभाग का यह सबसे बड़ा इंचार्ज होता है, इसके पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है। ड्रिलिंग फ्लूइड्स और पंप के बारे में इसको अच्छा जानकारी होता है। यह वर्क एट हाइट और कन्फाइंड स्पेस में काम करने का महारत होता है। जहां तक डिग हैंड का सैलरी का सवाल है, तो यह एक डेरिक मैन का एक घंटे का लगभग 23 US डॉलर मिलता है, अर्थात एक दिन का 23 × 12 यानी 12 घंटा रोज ड्यूटी होती है, तो 23 × 12 यानी कि 276 डॉलर रोज। और 30 दिन का बोले तो 276 को 30 से गुणा कर दीजिए तो हो जाता है 8,280 डॉलर। इसको इंडियन रुपी में बदल दीजिए यानी कि 82 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाता है मित्रों 7 लाख रुपए महीना, यानी कि एक डेरी मैन का सैलरी 7 लाख रुपए महीना होता है। ऑफशोर पर अगला पोस्ट होता है ड्रिलर का। मित्रों, ड्रिलर ड्रिलिंग ग्रुप का लीडर होता है। एक ड्रिलर ड्रिलिंग के स्पीड, ड्रिलिंग की गहराई और ड्रिलिंग की दिशा, इन सब को कंट्रोल करता है। मित्रों, ड्रिलर के पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है, साथ ही किसी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, एक ड्रिलर मशीनों को चलाने के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम को भी समझता है। मित्रों, एक ड्रिलर को एक घंटे का लगभग 29 US डॉलर मिलता है, रोज बोले तो 29 × 12 यानी कि 348 डॉलर रोज। इसलिए एक महीना का इसकी सैलरी हो गई लगभग 10,500 डॉलर, इंडियन रुपए में हो गया लगभग 8,50,000 महीना। ऑफशोर रिग पर अगला पोस्ट होता है मित्रों टूल पुशर। तो इस टूल पुशर का क्या काम है भाई, आइए देख लेते हैं। मित्रों, टूल पुशर ड्रिलिंग ग्रुप का सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर का मतलब आप समझते ही हैं मित्रों। जहां तक रिग सुपरवाइजर का सैलरी की बात करें, तो एक सुपरवाइजर को एक घंटे का
$35 मिलता है, अर्थात रोज $420। महीना का हो गया $12,600। इंडियन मनी हो गया लगभग 10.5 लाख महीना। तो देखे मित्रों, ऑनशोर और ऑफशोर के सैलरी में कितना अंतर है। अगला पोस्ट आता है इंजीनियर का। इंजीनियर का मतलब तो आप सब जानते हैं। चलते हैं डायरेक्ट इसकी सैलरी देख लेते हैं। मित्रों याद रखें, एक इंजीनियर की कम से कम पढ़ाई बीटेक होनी चाहिए। ऑफशोर रिग इंजीनियर की सालाना सैलरी यानी एक साल का वेतन लगभग $85,000 होता है। इंडियन रुपी में लगभग हो जाएगा 70 लाख सालाना। मित्रों इसके अलावा भी ढेरों सारे अन्य पोस्ट भी होते हैं, जैसे क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मेडिक्स, खाना बनाने वाला कुक्स, सफाई करने वाला क्लीनर्स आदि आदि। इन सबको भी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन आदि की जरूरत पड़ती है। सबका भी सैलरी सालाना $40,800 से लेकर $90,715 सालाना होती है। इनका सैलरी इनके कार्य स्थान के अनुसार भी अलग अलग होती है। तो मित्रों हम लोगों ने देखा कि ऑफशोर ऑयल रिग पर जबरदस्त सैलरी मिलती है भाई। मित्रों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले आने वाला वीडियो जो बताएगा कि रिग पर आप कैसे जॉब प्राप्त करेंगे, इस विषय पर अगला वीडियो आ रहा है। यदि मित्रों आप रिग पर जाकर काम करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो रिग पर कैसे जाएंगे और वहाँ जाने के लिए क्या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है, इन सब की जानकारी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए।